हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू नो कि रक्षाबंधन इज़ नियर बाय एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं अपने भाई के साथ, जिसमें आप लोगों ने बहुत ही ट्रेंडिंग ऐसा मतलब देखा होगा चैलेंजेस, जिसमें ब्रदर गेसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो मैं कुछ ऐसा ही एक चैलेंज हम लोग कर रहे हैं और मेरे भाई की शिकायत भी थी कि मैं उसको किसी भी वीडियो में इंक्लूड नहीं करती। तो मैंने सोचा क्यों ना रक्षाबंधन जो है वो पास आ रहा है और भाइयों का डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो उसके साथ। आई होप कि आप उस वीडियो को एंजॉय करें और आप भी अपने भाई के साथ ही करें। थोड़ा सा ट्विस्ट है इस गेम में कि वो जितने प्रोडक्ट्स को गेस कर लेगा तो उसको एक अमाउंट जो है जो जैसा है वो है उसके अकॉर्डिंग उसको मैं दूंगी, ठीक है। तो लेट्स सी कि वो कितने प्रोडक्ट्स को गेस कर पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेकिन पहले मैं आपको अपने भाई से मिलाती हूँ। आओ भाई। हेलो। ये मेरा छोटा भाई है और इसके साथ मैं अभी वीडियो बनाने वाली हूँ और देखते हैं कि तुम कितने गेस कर पाते हो। तुमको तो समझ आ गया होगा ना कैसे करना। जीतेंगे, सिस्टम मचा देंगे, सिस्टम है। यही चीज फरकतों की वजह से मैं इसे इंक्लूड नहीं करती। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट इसको गेस करना है वो है ये। ठीक है, आपको दिख रहा है। ब्राइटनेस कम करो। हाँ, ये तो बताओ क्या है। व्हाइट टोन। व्हाइट टोन, सदी टोन जो फेस पे लगाते हैं वो व्हाइट टोन बोला। वो सॉफ्ट सा होता है मुंह पे उसको। इसको क्या कहते हैं इतनी कॉन्फिडेंस में जो व्हाइट टोन का? व्हाइट टोन है वो पाउडर होता है, वो क्या होता है इसको मुंह पे लगाते हैं। ये कोई पाउडर नहीं है। मम्मी नहीं बता रहा। मम्मी क्या तुम तो नहीं और ये पता नहीं कुछ व्हाइट टोन बोला था। अब ये है कंसीलर। क्या ये कंसीलर होता है जिसमें बहुत सारे ये कंसीलर है, ठीक है। मैं मेकअप करता था, मेरे को पता होगा क्या है। तुमने इसमें पार्टिसिपेट किया, तुम्हें बताना होगा कि ये क्या है। तो चलो टिक टिक वन। हिंट तो दो। अरे ये मुंह पे लगता है कहीं पे, किसी पार्ट पे लगता है। तो ये मुंह पे ही लगेगा ना, गेस करो। नहीं पता इतना हार्ड है तो बता पाऊंगा। ये वो है क्या बोलते हैं मेकअप बॉक्स जिसमें वो होता है। जीरो, इट्स आई शैडो। ठीक है, तो ये फेल कर गए। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे जो कि है ये। बताओ। आईलाइनर, लिपस्टिक। लिपस्टिक क्लोज है ना। लिपस्टिक ही है लेकिन थोड़ा क्लोज है ना। लिपस्टिक ही है बट इट्स नॉट लिपस्टिक। लिपस्टिक नो, यू आर हाफ करेक्ट। तो हाफ अमाउंट का मिलेगा। तुम नहीं गेस कर पाओगे इसको। दिस इज लिप क्रेयॉन। ठीक है, जो ड्राइंग करते वाला क्रेयॉन। हाँ जी, तो ये है लिप क्रेयॉन। लिपस्टिक, लिपस्टिक नियरबाय था तो इसीलिए इनको मिलते हैं हाफ पॉइंट्स। 50 मतलब ऐसे करके 50 पॉइंट्स मिलता है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। ये क्या, ये तो संतरा छीलने वाला लग रहा है। ये संतरा छीलने वाला, मम्मी नहीं बताना, कभी नहीं बता पाएगा। बता, संतरा छिलना लग रहा है मेरे को। कहाँ गया संतरा? आईब्रो बनाते हैं। हाँ, पास हो बट उसके आसपास का है। चलो मैं हिंट देती हूँ, आंखों से ही रिलेटेड कुछ करना है इससे। ये जो है ना इसको कम करता है या छोटा करना होता है जब बड़े हो जाते हैं। काटने वाला है। हाँ, उसको काटते हैं उससे, छोटा कर देते हैं उसके। जैसे ये पिपल है ना, उसके ऊपर का जो हेयर है ये उसी की तरह ये जो हमारे लैशेज है उसको बड़ा करने के लिए बड़ा से कट नहीं होता, इसको पकड़ के ऐसे करते आई कर्नो की तरह। हाँ, तो हाफ तुमने है ना आई लैशेज। हाफ क्यों मिलेगा, 25 रुपए मिलेंगे इसको इस बात के। आई लैशेज था ना, आई से रिलेटेड मैंने तुमको बताया पर तुम यहाँ पे बताया।
तुमने पहले यहाँ बोला था ये बोल फुटेज चेक हाँ, करो फुटेज चेक कर लो। मैं बोला था ये जो पीपल होता है बाहर का जिसपे हेयर होता है तो क्या समझ आई डोंट नो आप ही लोग बताओ मुझे बाद में फिर इसको इस वाले क्वेश्चन को ड्यू रखते कि इसको इस पे पॉइंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सिस्टम हैंग कर देना बता दो सही बोल रहा हूँ कि नहीं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बताओ ये क्या है नहीं पता तुम्हें पास करना हिंट इतना ये फेस पे यूज होता है जो होता है उसको उतारने के लिए काम आता हुआ। नो यू लूज दिस इज फेस रोलर फेस मसाजर। मेकअप करोगे तो उतर नहीं जाएगा उससे नहीं ये स्किन केयर में यूज होता है तो आप इस वाले पॉइंट को भी हारते हो। तो चलो आप नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है ये बहुत इजी है इसको बताने में इसको आसानी होनी चाहिए। क्या है ये क्रीम ब्लश इसने यहाँ पे लिखा हुआ था इसने पढ़ लिया तो मिलना चाहिए। ठीक है ये मेरी गलती थी कि मैंने इसको क्रॉप नहीं किया तो चलो मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है लेकिन नहीं ये बताइए क्या है ये रेजर लग रहा हाँ दिस इज रेजर। ओके हम इसको इस बात के पॉइंट देते हैं सिस्टम हैंग मुझे लगा था कि ये इस तरीके का देख के ये नहीं गेस कर पाएगा पर इसने कर लिया। लाइटर लग रहा था लेकिन स्ट्रेटनर लगा घर पे आया। तो चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बताना ये नेल कटर हाँ ये नेल कटर है मैंने सोचा ये कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि ये गोल सा किसका बुद्धि थोड़ा लो है ना क्या बोली सिस्टम है ये है वो आईलाइनर गलत इस पे लगाते हैं बता अब तो बता क्या होगा अब नहीं मैं तेरे को वो करूंगी आईलाइनर आई शैडो मस्कारा सिस्टम हैंग। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट पे जो कि है बोनस प्रोडक्ट। इसके बाद अगर शिव ने किया तो फिर देखते हैं उसके टोटल कितने पॉइंट्स बनते हैं। तो लास्ट प्रोडक्ट देखते हैं। लास्ट प्रोडक्ट है ये टोन है क्या बोलते हैं क्या है टोन जो फेस पे लगाते हैं कलर चेंज इतना कॉन्फिडेंस हाँ इट्स नॉट टोन नहीं सिर्फ बैक नहीं करना कुछ नहीं करूँगा नहीं चीटिंग नहीं ठीक है कर वो ही कर इमेज ला टिक टिक फाइव ये नहीं है तो शिव ने कितने बताए वो अभी मैं काउंट करके बताती हूँ और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम इसको पॉइंट देंगे। बट इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला और आप भी अपने ब्रदर्स के साथ ये गेम खेल सकते हो काफी इंटरेस्टिंग गेम है। इन लोगों को बहुत अच्छा था इसको बहुत ये था कि सिस्टम हैंग कर देगा एंड ऑल दैट स्टफ बट कुछ हैंग नहीं हुआ बट ही डिड वेरी गुड अबाउट दैट मस्कारा एंड आई रोलर। सिस्टम हैंग हुआ कि नहीं हुआ नहीं हुआ ओके अभी पता चल जाएगा। को 11 प्रोडक्ट्स दिखाए थे जिसमें से उसने 6 बताए तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि अभी इसको कितना रिवॉर्ड मिलने वाला है क्या बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि शिव ने जितने भी बताए उसके बेसिस पे मैं उसके फ़ोन का रिचार्ज करवाने वाली हूँ जितने भी अमाउंट वो जीता है उससे ठीक है। एंड उसके चेहरा जो है वो बहुत ही दुखी है क्योंकि एज यू नो ही इज़ अ लिटिल बिट लड़कों को थोड़ा लोभ होता है ना कि हम इससे ज्यादा जीत जाए इससे ज्यादा जीत जाए। गाइस वो जो एक प्रोडक्ट था जिसमें मैंने बोला था कि क्या बोलते हैं उसको वो आईलैशेस पे लगाते हैं हाँ अगर आपने उस पे उसका नाम लिखा कि इसको फुल पॉइंट मिलना चाहिए या हाफ पॉइंट मिलना चाहिए तो इसका अमाउंट जो है ना वो थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा तो फिर इसको थोड़े और मिलेंगे तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। और आपको पता है अगर आप लोगों ने में से कम 10 लोगों ने भी लिख दिया ना तो ये मेरा सर खाएगा कि निकाल पैसे निकाल वो देख। लेकिन गाइस आप में से जो भी अलविश यादव का फैन है उसके लिए मेरे को हाफ पॉइंट दिला देना अलविश यादव
सब दिमाग नहीं चलता है। चल आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोग भी अपने रक्षाबंधन में अपने भाइयों के साथ कुछ स्पेशल कर, मैं अपने भाई के साथ कुछ भी स्पेशल कर, इसका चेहरा ऐसा ही बना रहता है तो इसके चेहरे पे मत जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइस वो जो लास्ट वाला प्रोडक्ट था अभी दोबारा मत बोलो, मैं डालूंगी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोग भी रक्षाबंधन में अपने भाई के साथ वीडियोस बनाओगे और कुछ कुछ मस्ती करोगे। हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।